एसी रिपेयर वाला। बीदर नाम के गांव में उद्धव नाम का एक मैकेनिक था। उसने मैकेनिक का काम सीखा नहीं था, पर घर में जो भी वस्तु पड़ा रहता था उसको छेड़छाड़ करके मैकेनिक का काम सीख गया। गांव भर में उसे लोग ऑल इन वन मैकेनिक बुलाते थे। उद्धव के दोस्त बोस ने उस गांव में एक नया एसी का दुकान खोला। उद्धव से बोस, अरे यार सुनो, अब से जो भी इस दुकान में एसी खरीदेगा उनके घर में जाकर तुम्हें ही फिट करना होगा, पर इसके लिए तुम्हें 3 महीनों के लिए कंपनी में जाकर ट्रेनिंग लेना होगा। अरे यार, नया एसी का दुकान खोल लिया तो हमें ही तुम कम समझने लगे? अरे यार, इस दुनिया में कोई ऐसा माइका लाल नहीं है जो मुझे मैकेनिक का काम सिखा सके। अब तक मैंने जैसे मैकेनिक का काम किया है आगे भी वैसा ही करूँगा। अब तो यूट्यूब भी आ गया है, अपना काम और आसान हो गया है। अरे यार, जितना मर्जी YouTube देख लो पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बहुत जरूरत होती है। वैसे भी मैंने नया नया दुकान खोला है, कोई गड़बड़ हो गया तो सब मिलकर हम दोनों को मार डालेंगे। अरे इस गांव में ऐसा कौन है जो हमसे पंगा ले? अरे ये सब छोड़ो यार, कोई एसी खरीदता है तो मुझसे कहो, मैं देख लूंगा, मैं हूँ ना। यूं वे बात कर रहे थे कि उस गांव का प्रेसिडेंट दीवाना राज वहां पे पहुंचा। तब बोस से दीवाना राज, क्यों बोस, बिना मेरे परमिशन के तुमने एसी का दुकान खोल लिया? लगता है कि इस गर्मी के मौसम में खूब पैसे कमाने वाले हो। ऐसी कोई बात नहीं है दीवाना जी, मैंने लोन लिया है, वो लोन भी तो चुकाना है। अरे बोस, मेरा नाम दीवाना नहीं है, राज है, पर जो मैं काम करता हूँ उसे देखकर लोगों ने मेरा नाम दीवाना रखा है, इसलिए एक बढ़िया एसी मेरे घर भेज देना, नहीं तो तुम मेरा नाम तो जानते ही हो, दीवाना। देखिए दीवाना जी, यूं मुफ्त में एसी देने के लिए मैं कोई धनवान नहीं हूँ, आप जा सकते हैं। तब दीवाना राज को बहुत गुस्सा आया, वहाँ से चला गया। अगले दिन से दीवाना राज बोस की दुकान के बाहर बैठकर जो भी एसी खरीदने आता था उसे खरीदने नहीं देता था और उन्हें भेज देता था। तब बोस को बहुत गुस्सा आया और अपने मन में, ये कमीना मेरे पीछा नहीं छोड़ने वाला, अब कंपनी वाले भी कोई और मैकेनिक को भेज नहीं रहे, उद्धव से कहता हूँ, वही इसके अकल ठिकाने करेगा। यूं सोचकर उद्धव से कहकर इसके घर में एसी फिट करने के लिए कहा। अब दीवाना के घर में एसी फिट करने के बाद उद्धव, दीवाना जी अब एसी तो फिट कर दिया है, अब बस आपका सारा घर और आपका सारा शरीर बिल्कुल कूल हो जाएगा, 1,000 रुपए दीजिए, मैं चलता हूँ। देखो भैया, दीवाने से पैसे की उम्मीद ना करो, इफ यू वांट मनी आस्क दैट फूलिश एसी शॉप ओनर, वैसे भी तुम्हें तो काम आता नहीं है, तुमने मेरा एसी फिट कैसे किया? देखो, और थोड़ी देर यहाँ खड़े रहे तो मैं गांव भर में प्रचार करूंगा कि तुम्हें कारीगरी नहीं आता, तुम तो मेरे बारे में जानते ही हो ना। तब उद्धव अपने मन में, अच्छा बच्चू, एक तो मेरे दोस्त से तुमने मुफ्त में एसी ले लिया, ऊपर से काम करने के पैसे भी नहीं दोगे, अब देखते जाओ तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। कहकर उद्धव दीवाना से, मैंने सोचा कि आप 1,000 रुपए दोगे तो आपका एसी, फ्रिज और हीटर को ठीक कर दूंगा, चलो कोई बात नहीं, आपकी किस्मत है। क्या, एसी में ही फ्रिज और हीटर सब कुछ? अरे फिर तो बहुत पैसे बचेंगे यार, वो काम कर देना प्लीज प्लीज। कहकर अपने जेब से पैसे निकाल कर दे दिया। वे पैसे लेकर उद्धव ने एसी के साथ गैस का कनेक्शन दिया और कुछ टिंकरिंग करने लगा। तब उद्धव अपने मन में, अरे दीवाना, मैंने तुझसे एक बात छिपाया, ये फ्रिज और हीटर का काम तो करेगा पर जिंदगी में सिर्फ एक बार। कहकर आइए दीवाना जी, आइए, आप यहाँ आएंगे तो आपको मैं एसी में फ्रिज दिखाऊंगा। कहकर एसी में गैस छोड़ने लगा। एसी में गैस का प्रेशर तेज होने के कारण बहुत जल्दी कूलिंग हो गया और दीवाना बर्फ की तरह जम गया। थोड़ी देर बाद जब ठंड कम हुई, अरे यार काफी ठंड है, ये फ्रिज तो बहुत बढ़िया यार, अब जरा हीटर दिखाओ, हीटर, वो हीटर इतना गर्म होना चाहिए कि घर का सारा खाना उसी में बन जाए। अरे खाने की तो बात छोड़िए, आपको मैं तंदूरी खिलाऊंगा बढ़िया, आइए। कहकर उस गैस पाइप को लाइटर से जलाया। बस एकदम से एसी से आग की लपटें निकली और दीवाना को जलाया। अरे बाप रे, मुझे बचाओ, आग लग गई, मुझे तंदूरी खिलाएगा कहकर मेरा ही तंदूर कर देगा लगता है, प्लीज मुझे बचाओ, कहकर चिल्लाने लगा। तब आग बुझाकर
अरे वो तंदूर, अब ये एसी काम नहीं करने वाला। अगर दोबारा हमारे बॉस के दुकान के पास आए और मुफ्त में एसी मांगा या उसे परेशान किया तो इस बार मैं तुम्हें बॉइल्ड दीवाना बना दूंगा, समझे? कहकर वहाँ से चला गया। तब उद्धव को देखकर दीवाना, अच्छा बच्चू तो तुम मुझे सिखाओगे? हाँ जाओ जाओ, पार्ट टू में मैं दिखाता हूँ कि ये दीवाना है कौन। ऐसा उसने सोचा। मैजिकल गोल्डन बनाना हाउस। एक गांव में मोटू नाम के व्यक्ति की शादी चार्मी नाम की लड़की से हो रही थी। दोनों ने माला बदला, बस मोटू वहां से झट से भागा जहां खाना परोस रहे थे। वो वहां गया। वहां जो मेहमान आए थे वो बफे काउंटर पर लाइन लगा कर खड़े थे। मोटू उन सबको पीछे छोड़कर लाइन में आगे खड़ा हुआ। उसके पीछे जो औरत खड़ी थी, ये तो दूल्हा है ना, अपनी शादी में खाने के लिए यूं बेचैन हो तो बेचारी लड़की का क्या हाल होगा। लगता है कि इसे खाना बनाने के चक्कर में वो कंकाल बन जाएगी। एक साल बाद मोटू अपने घर में खराटे मारकर सो रहा था। ये देखकर चार्मी के पिताजी विलास राव, मैंने गलती कर दी बेटा, केले का होलसेल बिजनेस है तो मैंने सोचा खूब कमाएगा और तुम्हें खुश रखेगा, पर मैं नहीं जानता था कि यूं सारे केले खुद ही खा जाकर यूं निश्चिंत होकर सोएगा। ऊपर से सुना है कि गांव भर में इसने कर्ज लिया हुआ है, अब कोई फायदा नहीं, मैं तुरंत तलाक के लिए प्रबंध करता हूं बेटा। नहीं डैडी, मैं जानती हूं कि उन्हें खाने का बहुत शौक है, भूख उनसे बर्दाश्त नहीं होती, पर मन बहुत साफ है। वो खुद ही नहीं खाते बल्कि बहुत सारे गरीबों की भूख भी मिटाते हैं। उनका दोस्त है जितेंद्र, उसी ने इनसे गांव भर में उधार करवाया था और वो सारा पैसा हड़प लिया, साथ साथ इनका धंधा भी छीन लिया। यही असली बात है, पर धंधे में कोई नुकसान नहीं हुआ। देखते हैं, भगवान ही कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ, ये थोड़े से पैसे रख लो, संभाल के बेटा, कहकर कुछ पैसे देकर चला गया। थोड़ी देर बाद मोटू नींद से जागा। बहुत भूख लगी है, घर में कुछ खाने के लिए है भी या नहीं? ओह मैं तो भूल ही गया, अपने पास तो एक रुपया भी नहीं है ना। ठीक है, क्या करें, चलो मैं सो जाता हूँ। अभी अभी पिताजी आए थे, वो कुछ पैसे देकर गए, रुकिए खाना बनाकर देती हूँ। ये सुनकर मोटू बहुत दुखी हुआ। नहीं, मेरे भूख और भोलेपन के कारण अपने परिवार का आज ये हाल है, मैं तुम्हारे पिताजी के पैसों का खाना नहीं खा पाऊंगा। मैं कुछ ना कुछ करके, मेहनत करके तुम्हारा देखभाल करूंगा, तुम चिंता ना करो, कहकर गया। चार्मी ने भगवान को प्रणाम किया। मोटू एक रेडी में केले रख कर, केले लो ताजा ताजा केले लो, आओ आओ केले लो, 40 रुपए दर्जन। ये देखकर गांव वाले बहुत दुखी हुए। तभी जितेंद्र कार में वहां आया। क्यों मोटू, आज तुम्हें अकल आई? तेरे लिए यही सही धंधा है, अब कुछ भी कहो, तुम मेरे दोस्त हो इसीलिए मेरे होलसेल की दुकान पर तुम आओ, मैं तुम्हें केले डिस्काउंट में दूंगा, आकर ले जाओ। अरे तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुम पर भरोसा किया तो तूने मुझे ही डुबो दिया, अब जिंदगी में मैं तुम्हारी सूरत कभी नहीं देखूंगा, जाओ यहाँ से। जितेंद्र हंसता हुआ चला गया। शाम को सारे केले बिक गए, सिर्फ एक केला बचा था। मोटू उस केले को देखकर, एक केला तो कोई खरीदेगा नहीं, बहुत भूख लगी है, इसे खा लूं तो ठीक है ना? नहीं नहीं नहीं, मैंने शपथ लिया था कि मेरे ही केले मैं नहीं खाऊंगा, इसे घर ले जाता हूँ। मोटू घर आया, चार्मी सूट के साथ बाहर खड़ी थी। किराया नहीं दिया तो मकान मालिक ने घर खाली करने को कह दिया है, अब हम कहाँ जाएं? मोटू के समझ में नहीं आया कि क्या करे। वे दोनों उस रेडी पर सूटकेस को रख के जा रहे थे, गांव के बाहर आए। थक कर वो एक जगह रुके, बस रेडी पर रखा वो केला हवा में उछलकर जमीन पर जा गिरा। वो केला एक बड़ा केले वाले घर में बदल गया। ये देखकर दोनों हैरान हो गए। उस केले के एक तरफ ढेर सारे रुपए और दूसरे ओर से ढेर सारे सोने के सिक्के गिर रहे थे। उन दोनों ने उस सब को उठाकर गठरी बनाया। उन गठरियों के साथ वो बनाना हाउस के अंदर गए, उन गठरियों को वहां छिपाया। यूं हर रोज उस बनाना हाउस से रुपए और सोने के सिक्के गिरने लगे। उन्हें उस बनाना हाउस में ही छिपाने लगे।
बहुत ही जल्द मोटू और चार्मी ने एक बड़ा हवेली बनाया। जितेंद्र ने ये सब देखा, इन्हें अचानक इतने पैसे कहाँ से मिला, ये राज क्या है, पता लगाना होगा। अगले दिन उनका पीछा करते करते वो बनाना हाउस के पास आया। उन्हें उस बनाना हाउस में पैसे लाके रखते हुए देखा, वे उस घर को ताला लगा कर चले गए। बाद में जितेंद्र ने एक बड़े हथौड़े से उस ताले को तोड़ा, उस बनाना हाउस में प्रवेश किया। वहां देखा तो सब खाली था, नीचे एक दरवाजा था। अच्छा, इस तहखाने में पैसे छिपाया है, यूं सोचकर दरवाजा खोला। बस अंदर से एक बड़ा हाथ निकला और उसे खींचकर अंदर ले गया, फिर दरवाजा बंद हो गया। उस दिन से जितेंद्र किसी को दिखाई नहीं दिया। मोटू और चार्मी खुशी से रहने लगे। विलास राव उन्हें देखकर प्रसन्न हुआ।